सो नाउ वी गोना कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ बायबैक। और बायबैक का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझे तो आप देखो, इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट द ओपोजिट ऑफ पब्लिक इशू। अब आप देखो पब्लिक इशू के अंदर क्या होता है, एक तरफ इन्वेस्टर है और एक तरफ कंपनी है, दो पार्टीज रहते हैं। और आप देखो कंपनी को फंड्स चाहिए, इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए। अब कंपनी इन्वेस्टर को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देगा और इनवाइट करेगा कि आप मेरे कंपनी के अंदर शेयर्स में पैसे लगाओ, और इन्वेस्टर को अगर वो अच्छा लगेगा प्रपोजल, वो कंपनी इन्वेस्ट करने लायक लगेगी, तो वो इन्वेस्टर कंपनी को फंड्स प्रोवाइड कर देगा। अब आप देखो जब बायबैक होता है तो क्या होगा, बिल्कुल इसका ओपोजिट। अब कंपनी को पैसे नहीं चाहिए, उस टाइम कंपनी को पैसे चाहिए थे पब्लिक इशू के टाइम, अब कंपनी को पैसे नहीं चाहिए और जो शेयर होल्डर है उसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी चाहिए, अब वो इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहता। नाउ कंपनी विल प्रोवाइड सच शेयर होल्डर द एग्जिट अपॉर्चुनिटी और कंपनी उस शेयर होल्डर को फिर वापस से कैश प्रोवाइड कर देगा। तो आप देखो बायबैक बिल्कुल इसी तरीके से चलता है और इसका लॉजिक भी बिल्कुल यही है, दैट कंपनी के पास अभी सरप्लस कैश है, इट्स अ ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी और कंपनी को अब उस कैश की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे केस में कंपनी प्रोवाइड्स एन एडिशनल एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द शेयर होल्डर, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी बायबैक नहीं करे तो शेयर होल्डर कभी भी अपने इक्विटी शेयर्स को बेच नहीं सकता। He can very well go to the market and sell it, but that is only for a listed company. But what about a unlisted company? वहाँ पर company provide करती है exit opportunity, और अगर कोई listed company है तो that's a additional exit opportunity which the company provides. अब आप देखिए ये point काफ़ी ध्यान में रखने वाला है, that buyback is not reduction of share capital. Section 66 subsection 6 Companies Act का जो reduction से deal करता है, so section 66 which deals with the रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, उसी का एक सबसेक्शन है जो ये बात बोलता है दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज सेक्शन 66 विच डील्स विद द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, डज नॉट अप्लाई टू द बायबैक ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी बाय अ कंपनी अंडर सेक्शन 68। और यहाँ पर जो बायबैक है ये होता है अंडर सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और सेक्शन 68 को हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ते, हम सेक्शन 68 को पढ़ते हैं सेक्शन 69 और सेक्शन 70 के साथ। सो इकट्ठे अगर कंपनीज एक्ट में बायबैक का प्रोविजन आपको देखना है, सो इट इज सेक्शन 68, 69, 70 एंड यू हैव शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। अब देखिए सेक्शन 68 जो है वो स्ट्रेट अवे आपको बताता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बायबैक। सो आपके यहाँ पर तीन ही सोर्सेज है, एक आपके पास है फ्री रिजर्व्स, एक आपके पास है सिक्योरिटीज प्रीमियम और एक आपके पास है प्रोसीड्स ऑफ एनी अदर इशू। अब ध्यान रखना जब हम बात करते हैं फ्री रिजर्व्स का, तो फ्री रिजर्व्स को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में, और वहाँ पर यह बोला गया है फ्री रिजर्व्स मीन्स अ रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो जो भी रिजर्व है जिससे आप डिविडेंड पे कर सकते हो वो आप बायबैक के लिए यूज़ कर सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो यूज़ द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आपको अगर ध्यान हो तो सेक्शन 52 के अंदर वन ऑफ द यूज इज फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी, दैट इज बायबैक एंड प्रोसीड्स ऑफ एनी अदर इशू। तो आपने एक शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना है और उसके लिए किसी और से आप कैश मंगवाते हो और यही कैश लेके किसी दूसरे इन्वेस्टर को पे कर देते हो। बट इसमें एक कैच है कि फिर ऐसा आप करते क्यों, सपोज करो ये ए है और ये है बी, आपको बी को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना है और उसके लिए आप ए से पैसे मंगवा रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये एब्सर्डिटी लगता है कि एक को पे करने के लिए आप दूसरे से कैश मंगा रहे हो, तो व्हाई कंपनी इज गेटिंग इन्वॉल्व, देयर इज ऑलरेडी अ स्टॉक एक्सचेंज वेयर ए एंड बी कैन ट्रांजैक्ट। अगर बी को एग्जिट अपॉर्चुनिटी चाहिए तो वो स्टॉक एक्सचेंज में आके अपने शेयर्स को बेच देगा, और ए को इन्वेस्ट करना है तो वो यहाँ पर बाय कर लेगा, व्हाई कंपनी हैज टू गेट इनटू ऑल दिस। इसके लिए एक कैच है और कंपनीज एक्ट में बताया गया है दैट द प्रोसीड्स ऑफ द सेम क्लास ऑफ शेयर्स शुड नॉट बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ बायबैक। सो इक्विटी शेयर के बायबैक के लिए मैं इक्विटी इशू नहीं कर सकता, सो दैट्स द कैच हियर। इसके अलावा सबसेक्शन 2 जो है वो आपको कंडीशंस के बारे में बताता है, दैट व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस विच आर एप्लीकेबल ऑन बायबैक। सो पहला पॉइंट अगर आप देखो, सो इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो अनटिल एंड अनलेस द बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यू कैन नॉट डू द बायबैक। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अगर आपका आर्टिकल्स ऑथराइज नहीं करता, अगर आपका आर्टिकल्स ऑथराइज नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू
फर्स्ट अमेंड योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड देन प्रोसीड विद द बायबैक. सेकेंड कंडीशन इज एक मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे लगा के दिया हुआ है दैट 25% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम. ये आपका मैक्सिमम अमाउंट है जो आप बायबैक के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. इससे ज़्यादा अगर आपने बायबैक किया तो वो क्या बन जाएगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जहाँ पर आपको सेक्शन 66 के अंदर NCLT का अप्रूवल लेना पड़ेगा. अप टू 25% यू डू नॉट नीड NCLT अप्रूवल बिकॉज दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. देन 25% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, स्पेशल रेजोल्यूशन नीड्स टू बी पास्ड बाय द शेयर होल्डर फॉर दिस. एंड ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन है इसका जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा, इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर आपको फुल एंड कंप्लीट डिटेल्स देना पड़ेगा ऑफ ऑल द मटेरियल फैक्ट्स कि आप ये बायबैक क्यों कर रहे हो, दैट्स द नेसेसिटी ऑफ द बायबैक, आप ये क्यों बायबैक कर रहे हो. देन अमाउंट ऑफ बायबैक, आप कितना अमाउंट का बायबैक करोगे, कौन से क्लास ऑफ शेयर्स है जिनका बायबैक लोगे, एंड टाइम लिमिट विद इन विच दिस बायबैक विल गेट कंप्लीटेड. सो ये सारे जो डिटेल्स है ये आपको आपके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देना पड़ेगा. देन पोस्ट बायबैक योर डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1. तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सो 2:1 इक्वल टू सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड डेट डिवाइडेड बाय, ये आपका बन जाएगा प्री पेड अप कैपिटल, ओके, प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम. यहाँ पर आ जाएगा माइनस द बायबैक प्रोसीड्स. और ये बायबैक प्रोसीड्स को मैं यहाँ पे क्यों माइनस कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे वो वर्ड क्या यूज़ कर रहा है, पोस्ट बायबैक. सो ये आपके पास बायबैक के पहले आपका शेयर कैपिटल था, करेक्ट, और ये बायबैक के बाद आपका प्रोसीड्स हो जाएगा. इसके अलावा अगर आप यहाँ पे CRR क्रिएट करते हो तो वो अमाउंट भी इधर माइनस हो जाएगा. नाउ व्हाट इज CRR, जब हम सेक्शन 69 पढ़ेंगे तो इसको काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, बट फिलहाल आप ये देखना आपके टोटल डेट्स दो शुड नॉट बी ट्वाइस द पोस्ट बायबैक कैपिटल ऑफ द कंपनी. अब ध्यान रखना जब यहाँ पे मैं डेट का बात कर रहा हूँ तो इट इज़ नॉट जस्ट सिक्योर डेट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर अनसिक्योर डेट, एंड इट इज़ नॉट जस्ट द लॉन्ग टर्म डेट, इट इज़ ऑल्सो द शॉर्ट टर्म डेट. कई बार स्टूडेंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट या कॉस्टिंग के किसी फार्मूला को पढ़ते हैं और वहाँ पर ये इंटरप्रेट करते हैं डेट इक्विटी रेशियो को ओनली डेट फंड्स विच इज़ द लॉन्ग टर्म डेट. तो ऐसा नहीं होता है, लॉ में यहाँ पर कहीं पर कुछ नहीं बताया, दे हैव जस्ट सेड द डेट कैपिटल रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1 पोस्ट बाय बैक. सो जब बात होएगा डेट का, सो लॉ का तो पहला इंटरप्रिटेशन यही है दैट लॉ कैन नाइदर बी एक्सटेंडेड नॉर बी कर्टेल्ड. सो अगर डेट बोला है तो कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया कि सिक्योर डेट या अनसिक्योर डेट या लॉन्ग टर्म डेट या शॉर्ट टर्म डेट. तो हम यहाँ पर सारे डेट्स को कवर करेंगे. देन द एग्जिस्टिंग शेयर शुड बी फुली पेड अप. अगर आपके एग्जिस्टिंग शेयर पार्टली पेड अप है तो अगेन बायबैक नहीं हो सकता. द गैप बिटवीन टू बायबैक मस्ट बी एटलीस्ट 1 ईयर. सो आपने एक बायबैक किया, अब अगला बायबैक अगर आप करना चाहते हो तो अगले बायबैक के लिए कम से कम आपको 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा. देन लिस्टेड कंपनी जो है उनको सेबी रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और अनलिस्टेड कंपनी जो है उनको कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. इस 1 ईयर के साथ एक पॉइंट और जुड़ा हुआ है, द बायबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर. तो आप ध्यान रखना, एक तो ये है कि दो बायबैक के बीच में गैप कितना रहेगा 1 ईयर का, बायबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर, एंड इन 1 फाइनेंशियल ईयर द बायबैक शुड बी मैक्सिमम ऑफ 25%, करेक्ट. तो आप 1 ईयर से रिलेटेड ये पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे. ध्यान रखना यहाँ पर ईयर है, इधर भी ईयर है, बट जब मैं बात करता हूँ मैक्सिमम बायबैक तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आ जाता है. सो अगर आप बायबैक करना चाहते हो वाया बोर्ड रेजोल्यूशन तो आपके पास लिमिट है 10%, और अगर आप वाया स्पेशल रेजोल्यूशन बायबैक करना चाहते हो तो आपके पास लिमिट कितना है 25%. एंड ये जो दोनों लिमिट है दिस इज व्हाट इन 1 फाइनेंशियल ईयर. तो आप सिंपली चेक करो, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर आपको दो टाइमलाइन बना के चेक करूँ, सो लेट्स से दिस इज फाइनेंशियल ईयर 1 एंड दिस इज फाइनेंशियल ईयर 2. सो फाइनेंशियल ईयर 1 के अंदर मैं मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकता हूँ, अगर मैं बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू कर रहा हूँ सो इट विल बी व्हाट मैक्सिमम ऑफ 10%, और अगर मैं स्पेशल रेजोल्यूशन की तरह कर रहा हूँ तो इट इज़ 25%. अब आप देखिए, सपोज मैंने 1 जुलाई को एक बायबैक किया, और मैंने 1 जुलाई को लेट से बायबैक कर लिया 10% का वाया बोर्ड रेजोल्यूशन. नाउ इन 1 फाइनेंशियल ईयर इफ आई वॉन्ट टू डू बायबैक आई कैन डू अ बायबैक अप टू 25% वाया स्पेशल रेजोल्यूशन. तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता कि इधर आके मैं बोलूँ चलो बचा हुआ 15% जो बायबैक है वो मैं स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू करूँगा. दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज लॉ मेकर्स ने क्लियरली क्या बोला है, गैप बिटवीन टू बायबैक शुड बी 1 ईयर. सो अब यहाँ से 1 साल पूरा नहीं हुआ, अब चाहे
आपके पास अभी भी 15% का लिमिट अवेलेबल है, स्टिल इन दिस फाइनेंशियल ईयर यू कैन नॉट डू बाई बैक, रैदर अगले साल भी आप ये 3 महीने बाई बैक नहीं कर सकते, बिकॉज इस बाई बैक से 12 महीने आपके यहाँ पर जाके ख़त्म होंगे. सो नेक्स्ट बाई बैक इफ़ यू वॉन्ट टू डू, यू कैन डू इट अगेन ऑन द 1st of July, बट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. अब आप यहाँ पर चाहो तो वापस से 25% का बाई बैक कर सकते हो, बट आप ये नहीं बोल सकते कि इधर 10 है 15 का मेरे पास एक्स्ट्रा था और 25 का क्रेडिट मेरे को यहाँ पे मिल, तो वो स्पिल ओवर वगैरह का कोई भी यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. इन वन फाइनेंशियल ईयर अप टू 10% अगर आपको बाई बैक करना है तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू करोगे, एंड अप टू 25% अगर आपको करना है सो दैट विल बी वाया स्पेशल रेजोल्यूशन. सो यू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू डू थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, वट एवर इज द क्वांटम, बिकॉज इन वन फाइनेंशियल ईयर देर कैन बी ओनली वन टाइप ऑफ बाई बैक. सेकेंडली द बाई बैक should be completed within 1 year from the date of passing of the resolution. और third point जो है that आपका buyback 1 and buyback 2 इसके बीच में 1 साल का gap होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. So the gap between 2 buyback should be 1 year. Then buyback आप किससे कर सकते हो? You can do buyback from the existing shareholders proportionately. So let's say आपके पास 100 shareholders है और उन 100 shareholders के पास let's say 1000 shares each है, तो आप हर एक shareholder को बोल सकते हो that you can tender let's say 10 shares, तो आप 10-10 shares हर एक से ले लो, तो भी आप उस तरह से buyback कर सकते हो proportionately. और you can do it from the open market. ऑफ कोर्स ये ऑप्शन जो होता है ये एक लिस्टेड कंपनी के पास रहता है. और यू कैन परचेज द सिक्योरिटीज विच आर इशूड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी पर्सुएंट टू अ स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन और स्वेट इक्विटी, तो आप उनसे भी वापस से ये शेयर्स को परचेज कर सकते हो. सो दीज आर द 3 मोड्स ऑफ बाईबैक कि आप बाईबैक किससे कर सकते हो. अब जितने भी शेयर्स को आप बाईबैक करो और चाहे जिससे भी आप बाईबैक करो, जिस दिन आप बाईबैक आपका कंप्लीट हो जाता है उसके विद इन 7 डेज ये सारे जो आपके शेयर सर्टिफिकेट्स हैं दी शुड बी फिजिकली डिस्ट्रॉयड. अब आप बोलोगे सर अगर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, व्हाट अबाउट अगर हमारे शेयर्स जो है वो डीमैट फॉर्म में है? वेल, अगर डीमैट फॉर्म में है तो भी हम जब सेबी बायबैक रेगुलेशन पढ़ेंगे वहाँ पर हम देखेंगे कैसे डिपॉजिटरीज के साथ मिलके हम इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो द थिंग इज दैट ऑल द शेयर्स सो बॉट बैक मस्ट बी फिजिकली डिस्ट्रॉयड और एक्सटिंग्विश्ड विद इन 7 डेज ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द बायबैक. बायबैक करने के लिए एक लेटर ऑफ ऑफर होगा जो कंपनी को ड्राफ्ट करके अपने मेंबर्स को भेजना पड़ेगा. नाउ बिफोर यू सेंड इट टू द मेंबर्स इट हैज़ टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म SH8. इसके अलावा कंपनी को एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी फाइल करना पड़ेगा टू ROC एंड ऑल्सो टू द SEBI, और ये जाएगा इन फॉर्म SH9. अब ये जो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी है ये इसके लिए है कि कंपनी ने अपने अफेयर्स को पूरी तरह से चेक कर लिया है और कंपनी अगले 1 साल तक इंसॉल्वेंट नहीं होगा, और इसके लिए डायरेक्टर्स को फिर पर्सनली क्या करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है. एंड दैट इज़ व्हाई इट सेड दैट दिस डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी हैज़ टू बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 कैन बी द मैनेजिंग डायरेक्टर. देन कंपनी मस्ट मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स इन फॉर्म SH10, एंड कंपनी को एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आफ्टर द बायबैक इज कंप्लीटेड. कंपनी विल हैव टू फाइल अ रिटर्न टू ROC इन फॉर्म SH11 अलॉन्ग विद अ सर्टिफिकेट इन फॉर्म SH15. सो आपको ध्यान क्या क्या रखना है, दैट लेटर ऑफ ऑफर. सो दीज आर द वेरियस बेसिकली दीज आर द वेरियस फॉर्म्स विच आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ बायबैक. सो लेटर ऑफ ऑफर इज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन फॉर्म SH8. डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज टू बी फाइल्ड टू ROC एंड SEBI इन फॉर्म SH9. रजिस्टर ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर्स SH10, रिटर्न ऑफ बाईबैक SH11 एंड अ सर्टिफिकेट इन SH15. फर्दर आप देखो आपका एक बार जब बाईबैक कंप्लीट हो गया उसके बाद आप सेम काइंड ऑफ शेयर्स को इशू नहीं कर सकते. नाउ इफ यू रिमेंबर द 3 सोर्सेज ऑफ बाईबैक, तो वहाँ पर एक सोर्स क्या था, प्रोसीड्स ऑफ द एनी अदर शेयर्स, करेक्ट, बट दैट शुड नॉट बी द सेम काइंड ऑफ शेयर्स. अब आप क्या बोलते हो, ओके हम पहले ए से पैसा ले रहे थे, सो इस तरीके से ट्रांजैक्शन वर्क करता है. आप ए से कैश लेकर बी को बायबैक कर रहे थे, करेक्ट, लॉ मेकर ने बोला ये सेम क्लास ऑफ शेयर्स है तो आप ये ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते. आपने बोला कोई तकलीफ नहीं, हम पहले बी को पे कर देंगे और बाद में ये कैश ए से ले लेंगे, तो पहले हमारा ये
स्टेप वन था और ये स्टेप टू था, लॉ मेकर ने बोला दिस इज प्रोहिबिटेड, तो हम उल्टा चले गए, हमने बोला ये स्टेप वन और ये स्टेप टू। तो एक बात बताइए, बात तो वही हो गया ना, लॉ मेकर जो नहीं चाहता था हमने वही किया। इसके लिए लॉ मेकर्स ने यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है दैट वंस द बायबैक इज कंप्लीटेड नो फर्दर इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। और ये जो रेस्ट्रिक्शन रहेगा ये कितने टाइम तक रहेगा, 6 मंथ्स तक, करेक्ट। सो नो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स फॉर 6 मंथ्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायबैक। बट देर इज अ एक्सेप्शन टू दिस। कैसे? आप देखिए, आपने बायबैक कंप्लीट किया, अगले 6 महीने तक यहाँ पर आप कोई भी सेम काइंड ऑफ शेयर्स को इशू नहीं कर सकते। बट देर इज वन एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन क्या है, आप ये देखो, एक्सेप्शन ये है दैट अगर आप बोनस इशू करना चाहते हो तो ड्यूरिंग 6 मंथ्स यू कैन डू द बोनस इशू। अगर आपके पास कोई सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक ऑप्शन, स्वेट इक्विटी, वॉरेंट्स, ऐसे कुछ आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी थे, तो उसको आप ले जाकर यहाँ पे इशू कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ईसॉप दिया हुआ था जिसका वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर उसका एक्सरसाइज पीरियड आता है, तो अब ऐसे केस में आप अपने एम्प्लॉय को ये नहीं बोल सकते कि प्लीज़ यू विल हैव टू वेट फॉर फ्यू मंथ्स, जब तक ये 6 महीने पूरे नहीं होते मैं शेयर्स को इशू नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज अलाउड, दिस इज़ दी एक्सेप्शन टू द रूल दैट कंपनी कैन नॉट मेक फर्दर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द 6 मंथ्स। इसी तरह से आप देखो, आपके कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे जिनका यहाँ पर कन्वर्जन क्या हो गया है, ड्यू। अब आप उनको बोलते हो नो वी कैन नॉट इशू यू द इक्विटी शेयर्स बिकॉज हमें लॉ ने प्रोहिबिट किया, तो अगेन आंसर इज व्हाट, रॉन्ग। बट अगर आप यहाँ पर उमदा दिमाग चलाओ और ऐसे बोलो कि हमें यहाँ पर शेयर इशू करके ही रहूँगा, और आप यहाँ पर सपोज करो पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर देते हो, और वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को आप अगले दिन या कुछ महीनों के बाद विद इन दीज 6 मंथ्स कन्वर्ट करते हो, तो ऐसा अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते। दीज शुड बी सबसिस्टिंग, आप वर्ड देखो यहाँ पर जो यूज़ किया गया है, फॉर डिस्चार्जिंग द सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन। तो जिस दिन आपका बाईबैक कंप्लीट हो रहा है उस दिन आपके जो भी सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशंस है, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक ऑप्शन, स्वेट इक्विटी, वॉरेंट, उनके लिए अगर आपको शेयर्स इशू करने हैं तो ये 6 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज यू कैन नॉट इशू द शेयर्स। नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपके पास है सेक्शन 69 विच डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट टू CRR। नाउ CRR बेसिकली है क्या, इसके लिए हम वापस से सेक्शन 68 में चलते हैं, और वहाँ हमने देखा था देर आर ओनली 3 sources ऑफ बायबैक। यहाँ पर मैं उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करूँगा दैट वी हैव ओनली 2 sources ऑफ बायबैक, वन इज द रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम और या प्रोसीड्स ऑफ द न्यू सिक्योरिटीज। अब ध्यान रखना, जब आप बायबैक करोगे तो आप बायबैक किससे पे करोगे, यू विल ओनली पे इन कैश। मतलब कल को पतंजलि लिस्ट हो जाती है और बाबा रामदेव आपको बोलते हैं बायबैक मैं करवा रहा हूँ अपने शेयर्स का और मैं कैश नहीं दूंगा, उसकी जगह तुम केश कांति ले जाओ, दंत कांति ले जाओ, सो दैट इज़ नॉट अलाउड बिकॉज बाबा जी को कैश ही पे करना पड़ेगा। क्लियर? सो बी वेरी क्लियर दैट वेन एवर अ कंपनी डज बायबैक इट हैज़ टू डिस्चार्ज इट्स शेयर होल्डर और इट्स ऑब्लिगेशन इन कैश। अब कैश का ये मतलब नहीं है वो नकदी कैश लेकर जाएगा, इट विल ऑलवेज बी अ बैंक ट्रांसफर, दैट इज़ फॉर श्योर, इट विल बी अ बैंक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS के थ्रू आपका बैंक ट्रांसफर होगा या आपको चेक मिलेगा, करेक्ट। सो दैट इज देयर, बट यू कैन नॉट पे इट इन काइंड, ये भी कैश ही माना जाएगा अल्टीमेटली। इसमें भी क्या हो रहा है, आपके पास कैश ही तो जा रहा है ना, इन काइंड आपको नहीं दिया जा सकता, करेक्ट। अब आप देखो, ये एक मेरे कंपनी का बैलेंस शीट है, मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,000, रिजर्व्स है 10,000, सिक्योरिटी प्रीमियम है 10,000, और मेरे पास 30,000 के टोटल एसेट्स है। अब ये एसेट्स का बाइफर्केशन क्या हो सकता है, कि हो सकता है इन एसेट्स के अंदर मेरे पास सफिशियंट नंबर ऑफ कैश है जिससे मैं बायबैक कर लूँ, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास कैश उतना नहीं है बट मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स है या एक्स्ट्रा एसेट्स है, मैं जिनको बेचूंगा और बेच के मेरे पास जो कैश आएगा उस कैश से मैं क्या कर दूंगा, बायबैक, करेक्ट। या फिर मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास ना तो इतना कैश है, ना मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स है बेचने के लिए, ना मेरे पास फालतू एसेट्स है। इन दैट सिनेरियो अगर मुझे बायबैक करना है तो मुझे किसी और सिक्योरिटी को इशू करना पड़ेगा और उसके प्रोसीड से जो मेरे पास कैश आएगा मैं उससे पेमेंट करूंगा, करेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
मेरे पास ऑलरेडी कैश है, या फिर मैं किसी इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसे ला रहा हूँ, या किसी एसेट को बेच के मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ, या किसी नए सिक्योरिटी को इशू कर रहा हूँ और उससे जो मेरे पास कैश आ रहा है मैं उससे बाई बैक कर रहा हूँ। सो अल्टीमेटली सारा का सारा राम कहानी जो है वो किधर ख़त्म हो जाएगा? कैश पे। अब आप आगे देखो, वापस से अगर हम इधर आते हैं, जब मैं आपको बोलता हूँ प्रोसीड्स ऑफ न्यू सिक्योरिटी, करेक्ट, प्रोसीड्स ऑफ न्यू सिक्योरिटी, ये हो गया आपका एक रूट। और दूसरा रूट आपके लिए क्या हो गया? आउट ऑफ रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अगर मैं आपको बोलूँ मैंने किसी एसेट को बेचा और एसेट को बेच के कैश लेकर आया, तो आप क्या बोलोगे? माय बायबैक इज आउट ऑफ रिजर्व्स, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ न्यू सिक्योरिटी। आप बोलोगे सर ये दोनों ही नहीं, क्योंकि मैंने तो एसेट से बायबैक किया है, करेक्ट। बट आपको ये देखना है कि ये एसेट्स का फंडिंग किधर से होके रखा है। ये एसेट्स का फंडिंग इधर से ही तो हुआ है। आफ्टर ऑल बैलेंस शीट इज व्हाट? इट इज सोर्सेज ऑफ फंड एंड इट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो अगर आपने किसी एसेट को बेचा है या किसी इन्वेस्टमेंट को बेचा है या आपके पास ऑलरेडी कैश पड़ा है, दिस मीन्स यू ऑलरेडी हैव द रिजर्व्स विच यू आर यूजिंग, करेक्ट, योर ऑलरेडी यू हैव द कैपिटल, ऑलरेडी हैव द सिक्योरिटी प्रीमियम जिसमें से आप पे कर रहे हो। सो ध्यान रखना, अगर आप किसी एसेट या इन्वेस्टमेंट को बेचते हो, सो इट विल बी कंसिडर्ड दैट द बाईबैक इज आउट ऑफ रिजर्व्स। सो इट इज ओनली टू, आइदर इट इज आउट ऑफ रिजर्व्स और इट इज आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ न्यू सिक्योरिटी। सो इफ इट इज नॉट आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ न्यू सिक्योरिटी, इट इज डीम्ड टू बी आउट ऑफ रिजर्व्स। तो ये पॉइंट मैं यहां पर लिख के आपको दे रहा हूं, इफ बायबैक इज नॉट आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ न्यू सिक्योरिटी देन इट इज आउट ऑफ रिजर्व्स, करेक्ट। एंड वेन एवर द बायबैक इज आउट ऑफ रिजर्व्स, कंपनी विल हैव टू क्रिएट CRR। और अब अगर आप CRR क्रिएट करते हो, तो CRR क्रिएशन में कुछ नहीं होता, सिंपली आपके जो फ्री रिजर्व्स या सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर जो कैश पड़ा है उसमें से आप अमाउंट ट्रांसफर कर देते हो इन अ सेपरेट रिजर्व कॉल्ड CRR। इफ यू रिमेंबर, आप अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करते थे CRR क्रिएशन का, तो वो एंट्री क्या होता था? फ्री रिजर्व्स डेबिट टू CRR, करेक्ट। और ये अमाउंट किसके बराबर होता था? दिस अमाउंट वॉज इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बैक, करेक्ट। अब देखिए, ये एक आपको मैंने ऐसे एक्सट्रैक्ट बना के दिया कैपिटल स्ट्रक्चर का। सो यहाँ पर इक्विटी 1,00,000 है, प्रेफरेंस 50,000 है, सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 है और फ्री रिजर्व्स 60,000 है। आई से दैट कंपनी ने यहाँ पर 2,000 शेयर्स का बाई बैक किया है, करेक्ट। और ये जो बाई बैक कर रही है कंपनी, दिस इज एट द रेट ₹30 ईच, करेक्ट। अब आप देखिए, ₹30 में ₹10 तो क्या है? फेस वैल्यू। और ₹20 जो है दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम, और यू कैन से प्रीमियम ऑन बायबैक, ट्रू। अब कंपनी इस बायबैक के लिए सपोज करो 2000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देती है, करेक्ट। अब 2000 प्रेफरेंस शेयर्स अगर इशू हो जाएंगे तो आप ये देखो, ये +20,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा -20,000, करेक्ट। और आप देखिए, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 80,000 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा 70,000। अब देखिए, पहले शेयर कैपिटल कितना था? 1,50,000। और अभी भी शेयर कैपिटल कितना है? 1,50,000। सो हमें यहाँ पर कोई भी शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ? आंसर इज नो, करेक्ट। बट सपोज मैं आपको बोलता हूँ मैंने कोई एसेट को बेचा, मैंने किसी इन्वेस्टमेंट्स को बेचा, करेक्ट, या मेरे पास ऑलरेडी सरप्लस कैश था और मैंने उससे बायबैक कर दिया, तो आप देखिए मेरा इक्विटी तो 80,000 हो जाएगा बट मेरा प्रेफरेंस कितना रहेगा खाली? नाउ प्रेफरेंस विल नॉट बी 70, माय प्रेफरेंस विल बी ओनली 50,000, करेक्ट। और आप देखो मेरा शेयर कैपिटल कितना हो गया? 1,30,000, जो कि पहले कितना था? 1,50,000, करेक्ट। अब 150 से मेरा शेयर कैपिटल अगर 1,30,000 पे आ गया, तो 20,000 का यहाँ पर क्या आ गया? गैप। अब ये 20,000 का जो गैप है, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई विल हैव टू क्रिएट CRR। नाउ दिस CRR विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ दिस फ्री रिजर्व। सो होगा क्या? यहाँ से
20,000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा और वो ट्रांसफ़र होके पहुंच जाएगा किस में, CRR में, और मेरा जो फ्री रिजर्व है वो खाली कितना रह जाएगा, 40,000। और जो भी मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 का जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम है और वट एवर अमाउंट आई हैव, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो भी अमाउंट मैं यहाँ पे प्रीमियम ऑन बायबैक कर रहा हूँ, और जो बैलेंस अमाउंट रहेगा ये मेरे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट के अंदर चला जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में अगर आप चेक करो, मैं 2,000 शेयर को 20 रुपये में बायबैक कर रहा हूँ, तो मेरा ऑलरेडी 40,000 प्रीमियम ऑन बायबैक है, तो मेरा इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम में 0 हो गया। बट सपोज़ करो मैं आपको ये बोलता कि यहाँ पर जो प्रीमियम ऑन बायबैक है ये खाली 10 रुपया है, तो यहाँ पर 20,000 डिडक्ट हो जाता और यहाँ पर बैलेंस 20,000 आपके पास रह जाएगा। सो वट एवर इज़ द अमाउंट, अल्टीमेटली फ्री रिजर्व्स में से फेस वैल्यू ऑफ द शेयर जो आप बायबैक कर रहे हो वो आप ट्रांसफ़र कर दोगे कहाँ पर, फ्रॉम योर फ्री रिजर्व्स टू CRR वेन एवर यू विल डू अ बायबैक आउट ऑफ रिजर्व्स। एंड वेन इज बायबैक आउट ऑफ रिजर्व्स, तो उसके लिए आपको ये लाइन बिल्कुल ध्यान में रखना है, दैट वेन एवर बायबैक इज नॉट आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द न्यू सिक्योरिटी देन इट इज डीम टू बी आउट ऑफ रिजर्व्स, एंड इफ इट इज डीम टू बी आउट ऑफ रिजर्व्स यू विल हैव टू क्रिएट CRR। बिल्कुल सिंपल ये वाला एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, शेयर के बदले शेयर आ गया तो आपका शेयर कैपिटल सेम है, तो कोई आपको CRR क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं। बट अगर शेयर के बदले शेयर नहीं आया तो 1,50,000 से आपका शेयर कैपिटल 1,30,000 हो जाता है, तो ये जो 20,000 का डिफरेंस आया इसके लिए आप क्या क्रिएट करते हो, CRR। और ये CRR किससे क्रिएट करते हो, यू क्रिएट दिस CRR आउट ऑफ योर फ्री रिजर्व्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि सर CRR क्रिएट करके भी आपने क्या उखाड़ दिया, शेयर कैपिटल तो अभी भी 1,30,000 ही है। अब ध्यान रखो ये जो CRR 20,000 का आपने क्रिएट किया है, सेक्शन 69 ने इसका सिर्फ एक यूज़ बताया, देर इज़ ओनली वन यूज़ ऑफ CRR एंड दैट यूज़ इज़ टू इशू बोनस शेयर्स, टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर्स। तो अब आप देखिए जब भी ये CRR को यूज़ होगा डेफिनेटली वापस से आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। सो आपको यही ध्यान रखना है दैट वेन एवर CRR इज टू बी यूज इट विल बी यूज ओनली फॉर इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर्स। सो दैट्स हाउ CRR टेक्स प्लेस ऑफ द शेयर कैपिटल विच इज बॉट बैक। सो दिस इज हाउ, इफ द बायबैक इज आउट ऑफ द रिजर्व्स देन CRR इज टू बी क्रिएटेड, इफ इट इज आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ न्यू सिक्योरिटी देन CRR इज नॉट क्रिएटेड। और CRR में कुछ नहीं होगा, आपके फ्री रिजर्व्स में से पैसे CRR में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इट्स अ मेयर बुक एंट्री ट्रांजैक्शन, इसमें ऐसा नहीं होता कि आप किसी को कुछ पे करते हो, इट्स अ मेयर बुक एंट्री ट्रांजैक्शन। आपका एक रिजर्व रिड्यूस हो जाता है और दूसरा रिजर्व बढ़ जाता है। सो पहले 10,000 आपके पास फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम में थे और ज़ीरो अमाउंट था आपके पास CRR में, आपने 1,500 रुपये का बायबैक कर लिया, अब 1,500 रुपये का CRR क्रिएट हो गया है और 8,500 के आपके रिजर्व्स हो गए। बट ध्यान रखना ये जो CRR है दिस इज़ नॉट अ फ्री रिजर्व, एंड सिंस दिस इज़ नॉट अ फ्री रिजर्व तो जब आप पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करते हो उस टाइम पर ध्यान रखना CRR को भी डिडक्ट कर लेना। इफ़ यू रिमेंबर मैंने यहाँ पर CRR को डिडक्ट किया था। अब ये CRR डिडक्ट करने का लॉजिक क्या था, इफ़ द बायबैक इज आउट ऑफ रिजर्व्स देन अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द CRR एंड दिस CRR इज नॉट अ फ्री रिजर्व, सो यहाँ पर ये भी डिडक्ट हो जाएगा। सो बायबैक प्रोसीड्स माइनस CRR इफ इट इज आउट ऑफ द रिजर्व्स, तो अब जाके आपका ये जो फॉर्मूला है ये पूरा कवर हो जाएगा। हालांकि नथिंग टू वरी अबाउट बिकॉज इसके जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, बट काफ़ी हद तक या आपने अकाउंट्स में इसको इतने डिटेल में कवर नहीं किया हुआ रहता है क्योंकि वहाँ सिंपल एक आप अकाउंटिंग एंट्री के पीछे भागते हो, तो शायद थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट इस जगह वीक रह जाता है। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव सीन इन माय क्लासेस दैट ये CRR का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर नहीं होता, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना that CRR is nothing, it is a mere book entry where amount is transferred from one reserve to another reserve. Next अपने पास है section 70 which deals with the prohibition on buyback in certain circumstances. तो कुछ scenario ऐसे है जहाँ पर मना किया गया है कि आप buyback नहीं कर सकते, और वो circumstances क्या है, no buyback if the company has not complied with section 92, 123, 127 and 129 of the Companies Act. अब ये क्या है, this deals with annual return,
दिस डील्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, दिस डील्स विद द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड दिस डील्स विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आपकी कंपनी ये चारों सेक्शंस के अंदर डिफॉल्ट कर चुकी है और अभी भी डिफॉल्ट में है, तो यू कैन नॉट डू बाई बैक, देन यू कैन नॉट डू बाई बैक थ्रू योर सब्सिडरी कंपनी और अ इन्वेस्टमेंट और ग्रुप कंपनी। तो कोई भी किसी डेडिकेटेड इन्वेस्टर से आप बाई बैक नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, उसने हमारे कंपनी में बहुत सारा पैसा लगाया था, अब वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी मांग रहा है, तो चलो सिर्फ हम प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के शेयर्स को खरीद लेते हैं। दैट इज़ नॉट अलाउड। देन इफ द कंपनी हैज़ मेड अ डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो अगेन कंपनी बाई बैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज इनका डेट्स को आप डिफॉल्ट कर रहे हो और इक्विटी वालों को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। सो अगेन ध्यान रहे कि इनका राइट इक्विटी से पहले आता है, सो यू कैन नॉट हैव अ बाई बैक टिल द टाइम दीज आर नॉट रेमेडेड। बट इसके अंदर भी वही वाला पॉइंट है कि एक बार आपने डिफॉल्ट किया तो ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए आउट हो जाते हो, और ऐसा भी नहीं है कि डिफॉल्ट ठीक करते ही आपको बायबैक अलाउ कर देंगे। लेट्स अज्यूम कि आपने अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे नहीं किया था, तो ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट पे करते ही आप बायबैक कर लोगे। इंटरेस्ट पे करने के बाद आपको कम से कम 3 साल वेट करना पड़ेगा। सो टिल द टाइम द डिफॉल्ट इज सब्सिस्टिंग यू कैन नॉट डू बायबैक, एंड आफ्टर द डिफॉल्ट इज रेमेडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स यू कैन नॉट डू बायबैक आफ्टर द डिफॉल्ट सीज टू सब्सिस्ट। सो दैट्स ऑल इन द प्रोविजन ऑफ बाई बैक फ्रॉम योर कंपनीज एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सेक्शन 68, 69 एंड 70। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस वी आर स्टडिंग बाई बैक, लेट्स जस्ट डिस्कस अपॉन वॉट इज द नीड और वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ बाई बैक। तो इसमें पहला एडवांटेज जो ये दिया जाता है वो होता है कि आपका अर्निंग्स पर शेयर इम्प्रूव हो जाता है। अब आप देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे वर्कआउट होता है। सपोज कंपनी के अंदर 100,000 शेयर्स थे, ठीक है, और इस 100,000 शेयर्स के ऊपर कंपनी फॉर एग्जाम्पल 25,00,000 रुपए कमा रही थी, करेक्ट। तो आपका अर्निंग्स पर शेयर जो था वो कितना है, 25 रुपीज। ये आपका अर्निंग्स पर शेयर निकल के आता है। बट सपोज यहां पर कंपनी 20,000 शेयर्स का बायबैक कर लेती है, तो कंपनी के पास कितने रहेंगे खाली, 80,000 शेयर। नाउ रिमेंबर, बायबैक का डिसीजन कब लिया था, जब कंपनी के पास सरप्लस कैश था, वो कैश इन्वेस्टेड नहीं है। तो ये जो 25 लाख रुपया आ रहा है वो किस पैसे से आ रहा है, जो आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। सो बायबैक के बाद भी आपका अर्निंग्स क्या रहेगा, सेम 25 लाख का 25 लाख ही रहेगा, लेकिन इसको शेयर करने के लिए अब आपके पास खाली 80,000 शेयर्स ही रहेंगे, ना कि 1 लाख शेयर्स। तो पहले जो एक शेयर के ऊपर आप 25 रुपए कमा रहे थे, अचानक से 20,000 शेयर का बायबैक करते ही आप देखोगे आपका अर्निंग्स पर शेयर जो है वो 31 रुपीज 25 पैसा हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखो, यू वॉन्ट टू इम्प्रूव द रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो सिमिलरली आप चेक करो, यही 25 लाख रुपीज़ का मेरा जो रिटर्न था, अब यही रिटर्न, तो सपोज करिए प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर जो मेरे पास 1 लाख शेयर्स थे, इनका फेस वैल्यू था 100 रुपीज़, तो मैं पहले 25 लाख रुपये कमा रहा था ऑन 1 करोड़, दैट इज 1 लाख शेयर्स इंटू रुपीज़ 100। मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना था, मेरा ROE था 25%। बट जैसे ही मैं यहाँ पे बायबैक कर दूंगा, मेरा यही रिटर्न जो निकलेगा वो किसके ऊपर आएगा, 80 लाख रुपीज़ के ऊपर, और मैं 25 लाख को जब 80 लाख से मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करूँगा, तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी जो बन जाएगा वो कितना हो जाएगा, 31.25%। सो सिमिलर टू योर अर्निंग्स पर शेयर फाइनेंशियली, सो आपका फाइनेंशियल रेशोज जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। देन इट प्रोवाइड्स अ एग्जिट रूट टू द शेयर होल्डर। एज आई सेड, एक लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि वो मार्केट में जाके शेयर्स को बेचे। इन दैट केस कंपनी इज प्रोवाइडिंग अ एडिशनल एग्जिट रूट टू द कंपनी, टू द शेयर होल्डर। एंड अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है तो वहाँ पर कंपनी एक एग्जिट रूट प्रोवाइड कर देती है टू द शेयर होल्डर। देन इट ऑल्सो इन्हेंसेज द स्टेक ऑफ द प्रमोटर। अब सपोज करिए प्रमोटर के पास 40% शेयर्स थे आउट ऑफ 100, कंपनी ने 20 शेयर का बायबैक किया जिसमें इसने कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया प्रमोटर्स ने, तो आप देखिए यहाँ पर इनका स्टेक 40/80 हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पर इनका स्टेक जो 40% था वो अचानक से स्टेक यहाँ पर कितना हो गया, 50%। सो बायबैक की वजह से प्रमोटर का स्टेक भी क्या हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है, और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करता है जब भी कोई होस्टाइल टेक ओवर करे। सो कोई ज़बरदस्ती आपके कंपनी का अगर टेक ओवर करता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम
क्योंकि आपके पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग होती है, तो सामने वाला अपने आप होस्टाइल टेक ओवर अटेम्प्ट से पीछे हट जाता है। देन इट इज़ ऑल्सो अ टूल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग अ ओवर कैपिटलाइज कंपनी। वी सॉ इट एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द लेक्चर दैट एक ओवर कैपिटलाइज कंपनी जिसमें कि ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटल लगा हुआ है, उसको रीस्ट्रक्चर करने का एक ही हथियार है। देर इज़ ओनली वन वे टू रीस्ट्रक्चर दैट कंपनी इज रिड्यूस द कैपिटल, द एक्सेस कैपिटल। देन इट ऑल्सो इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग शेयर्स। नाउ इफ़ यू रिमेंबर कैसे बाईबैक के बाद हमारा अर्निंग्स पर शेयर 25 रुपीज से इंक्रीज होके 31.25 हो गया था, करेक्ट? सो दिस वॉज द अर्निंग्स पर शेयर। अब एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशो है जिसको हम बोलते हैं पीई रेशो, और उस पीई रेशो के बेसिस पे अगर आप एक कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर निकालो तो उसका फॉर्मूला बन के आता है अर्निंग्स पर शेयर इंटू पीई रेशो। तो आप देखिए, सपोज करो कंपनी का जो पीई रेशो था वो 10 था, तो आप देखिए फिलहाल कंपनी का जो प्राइसिंग है वो कितना होगा, 250 रुपीज़। बट द मोमेंट आप बाईबैक कर लो और अपने अर्निंग्स पर शेयर को इम्प्रूव कर दो, आप देखिए आपका शेयर प्राइस भी कितना हो गया, 312 रुपये 50 पैसे। सो इस तरीके से आप अपने अंडरलाइंग शेयर्स का वैल्यू इंक्रीज कर देते हो कि आप पहले बाईबैक करके अपने नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस करते हो। व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूसेस, योर अर्निंग्स पर शेयर इंप्रूव, एंड विद द इंप्रूव्ड अर्निंग्स पर शेयर एंड द पीई रेशियो, द ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस।